दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मास्क कैसे बनता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मास्क कैसे बनता है। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस का कहर आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मास्क कैसे बनता है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जिस मास्क का प्रयोग आप सभी लोग कर रहे हैं वो कैसे बनता है। दोस्तों अब तो हमें किसी को भी यह बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किस तरह कोरोना वायरस धीरे धीरे दुनिया भर को अपनी चपेट में लेकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे में लगातार हर देश दुनिया भर से यही कहना चाहता है कि जितनी हो सके उतनी सावधानियां बरती जाए। इस वजह से लोगों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया गया है। और इसी वजह से दुनिया भर में जहां एक तरफ मास्क की कीमत आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसकी किल्लत भी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मास्क लगाने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों आज के समय में केवल कोरोना वायरस का नाम सुनकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, और होगी भी क्यों नहीं। आज इस वायरस की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरी दुनिया में महामारी भी घोषित कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों अभी तक पूरी दुनिया में 3 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 13,000 लोगों की इस वायरस की वजह से मृत्यु हो चुकी है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो आज 324 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह आंकड़ा कब तक बढ़ता रहेगा। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से देश की सरकार के साथ साथ देश की जनता भी खौफ में भरी हुई है। उसी में दोस्तों कुछ लापरवाह लोगों की वजह से यह खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। इसमें सबसे बड़ा नाम भारत की मशहूर गायिका कनिका कपूर का आ रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड से वापस आने के बाद अपना टेस्ट नहीं करवाया और एयरपोर्ट से चुपके से भाग निकली, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ और कानपुर में आयोजित की गई पार्टियों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जहाँ पर उनके साथ राजनीतिक दुनिया का सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों जब कनिका कपूर की कोरोना वायरस की पॉजिटिव पाए जाने की खबर मीडिया में फैली तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाया गया, जहाँ पर तनिका इस समय रुकी हुई है और अपना इलाज करवा रही है। दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसमें आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हर शख्स अपने घरों में रहकर इस कर्फ्यू का समर्थन करना है, ताकि यह वायरस हमारे देश में स्टेज 2 से स्टेज 3 में ना पहुंच जाए। और इसी के चलते लगातार हमारे देश की सरकार यह भी ऐलान कर रही है कि केवल 22 मार्च ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों तक जितना हो सके उतना अपने अपने घरों में रहें, और जरूरत आने पर अगर आपको बाहर भी जाना पड़े तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, ताकि दोस्तों किसी भी संक्रमित इंसान के खांसने या छींकने से जो इन्फेक्शन होता है वो आप तक ना पहुंचे और आप खुद को इस खतरनाक वायरस से बचाकर रख सके। दोस्तों आपको बता दें, मास्क लगाने से आपकी नाक और मुंह ढक जाता है, जिसकी वजह से वायरस आपके अंदर नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बस आपको मास्क लगाते वक्त यह सावधानी बरतनी है कि आप अगर एक बार अपने चेहरे पर मास्क लगा लें तो दोबारा उसको अपने हाथों से बार बार ना छुएं, और जब तक आप अपने हाथों को ठीक तरह से धुल नहीं लेते तब तक उसे ना छुएं, क्योंकि दोस्तों मास्क को इसी वजह से पूरी तरह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि किसी भी तरह की गंदगी उस पर ना पड़े और वो आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखे। इसी के साथ ही दोस्तों आज हम आपको हमारी इस वीडियो में यह भी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मास्क बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो फैक्ट्री में भारी मात्रा में मास्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत ही सॉफ्ट और साफ सुथरे कॉटन को रोलिंग मशीन के द्वारा कॉटन की थिकनेस को बराबर किया जाता है। फिर उसके बाद ऐसा करने पर मास्क का कपड़ा तैयार हो जाता है, जिसे एक दूसरी मशीन के जरिए इस तरह से फोल्ड किया जाता है, ताकि इसे खोलने पर यह आपका पूरा चेहरा कवर कर सके। और अंत में इस मास्क के ऊपर स्ट्रेचेबल प्लास्टिक वाली रबड़ लगाई जाती है, ताकि जब मास्क को पहना जाए तो यह हर तरह के चेहरे पर फिट हो जाए।
और दोस्तों अंत में इसे एक बिल्कुल साफ सुथरे रैपर में बंद करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों ठीक इसी तरह आप जरूरत पड़ने पर एक कपड़े में उसके दोनों साइड इलास्टिक लगाकर इसी तरह का मास्क अपने घरों में बना सकते हैं। बस ख्याल यह रखिएगा कि कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और वो आपके पूरे चेहरे को कवर कर लेता हो, ताकि आपके आसपास मौजूद वायरस आपके मुंह तक ना पहुंच पाए, जिससे आप इस खतरनाक वायरस के चपेट में आने से बचें। और उसी के साथ ही दोस्तों बार बार अपने हाथों को धुलना भी ना भूलें, जिससे दोस्तों चाहकर भी कोरोना वायरस का संक्रमण आपको अपनी चपेट में ना ले पाए। बाकी दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप किस शहर में रहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी है।